हाय गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने ये ग्लिटरी स्मोकी आई लुक लेके आई हूं, जो कि मैंने कंफर्ट जोन पैलेट की सहायता से क्रिएट किया है और उम्मीद है आपको मेरा ये आई मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन कलर लूंगी और उसे मैं अपने आईज पे एज ए ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी और उसे अच्छी तरह से बिल्ड कर लेने के बाद मैं सेम कलर को अपने पूरे आईलिड्स पे धीरे धीरे करके अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसे अप्लाई करने के बाद मैं अपने आईज पे ट्रांजिशन कलर के जस्ट ऊपर वाला जो शिमरी बर्गंडी कलर है वो अप्लाई करूँगी और उसको अपने आईज पे अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि वो बर्गंडी कलर ना आके कुछ दूसरा ही डार्क कलर का विजिबल हो रहा है मेरी आईज पे, तो मैंने उसे अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई किया ये कलर। के बाद मैं ये पीची शिमरी शैम्पेन कलर अपने उसी आई कलर के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और अप्लाई करने के बाद उसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद मैं अपने आईज के लोअर वाटर लाइन के पास के एरिया पे सेम डार्क बर्गंडी कलर अप्लाई करूँगी। और फिर मैं अपने ब्रोबोन को और कॉर्नर ऑफ आईज को शैम्पेन कलर की सहायता से हाईलाइट कर लूँगी और फिर आईलाइनर अप्लाई करूँगी। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं अपने आईलैशेस को कर्ल करूँगी और मस्कारा अप्लाई करूँगी और ऑफ कैमरा फॉल्सिंग अप्लाई करूँगी। चीज़ अप्लाई करने के बाद आप चाहे तो इस लुक को ऐसे ही रख सकते हैं, बट मैं आज थोड़ा सा ग्लिटरी लुक चाहती थी इसीलिए मैं क्रायलॉन का मल्टी जेल लूँगी जो कि शेड है लेवेंडर और उसे मैं अपने पूरी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। इस जेल को लोअर वाटर लाइन के पास के एरिया पे भी अप्लाई किया है और अपनी पूरी आईलिड्स पे भी अप्लाई किया है। तो फाइनली मेरा ये लुक क्रिएट हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये आई मेकअप लुक पसंद आएगा और अगर आपको मेरा ये आई मेकअप लुक पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।